हेलो गाइस, सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं हम अलग तरीके से गाजरे की सब्जी, जो खाने में बड़ी टेस्टी लगती है और अभी इस मौसम में तो सबके यहाँ मिलती है और ज़्यादातर गाँव में तो बहुत ज़्यादा ही आती है। तो आज बनाएंगे हम गाजरे की सब्जी। ये मैंने गाजरा लिया है, पहले इसको धो लेते हैं अच्छे से। और ये मैंने धो लिए, तो अब हम इसको इस तरह से छील लेंगे। और जैसे लौकी और आल वगैरह कद्दू काटते हैं, उस तरह से हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे छील के इसको। और ये मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 चम्मच तेल डाला है। इसको गर्म होने देते हैं और अब डालूंगी मैं राई और जीरा, आधा आधा छोटे चम्मच। इसको चटकने देते हैं और अब ऐड करूंगी मैं जो हरी मिर्ची जो मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। और अब डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच लहसुन जो मैंने कूट लिया है, 2 छोटे चम्मच। और इन हम सबको इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई करें। ये गाजरे की सब्जी खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। और ये ली मैंने पूरी मिर्ची, जिसके खाली थोड़े थोड़े बीट तोड़े हैं, और हम इसको भी डाल देंगे। और इसको भी हम हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, क्योंकि हम ये काचरे के साथ अच्छे से पक जाएगी। तो आज क्या हम मिर्ची और काचरा पका रहे हैं, तो उस हिसाब से हरी मिर्ची। और अब डालेंगे हम मसाले, जो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच धनिया पाउडर, ये डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और थोड़ी देर चलाएँगे सबको। और अब डालूँगी मैं काचरा, ये देखो मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया, और इनको ऐड कर लेंगे। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डलता है, आप पानी वगैरह कुछ भी ना डालें। और अब डालेंगे हम, अभी कुछ नहीं डाल रहे हैं, बट ऐसे ही बोल रही थी। इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए हरी मिर्ची और काचरा, एक अलग ही तरह का टेस्ट आता है, क्योंकि काचरा खट्टा होता है, हरी मिर्ची तीखी, तो क्या कहना। और मक्की की रोटी के साथ और पराठे के साथ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और एंड में जाएगा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, जो सब्जी का स्वाद ही इसके बिना अधूरा रहता है। और ये हम इसको मिक्स कर लेंगे सबको अच्छे से। आप कोई भी चीज़ बनाए नमक के बिना तो उसका स्वाद ही अधूरा है। तो नमक तो हर सब्जी की जान है जैसे। तो अब हम लगा देंगे इसके ऊपर ढक्कन और इसको हम 5 मिनट पकने देते हैं। ये जल्दी पक जाती है सब्जी, ये हमने ढक्कन लगा दिया है, फिर 5 मिनट बाद मिलते हैं आपसे। ये देखिए सब्जी तैयार हो चुकी है, पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है, मिर्ची भी अच्छे से पक गई है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ये हमने प्लेट में निकाल ली है। देखिए दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। आप बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो होगा, इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।